हे हाय एंड वेलकम टू माय चैनल. मैं हूं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज मैं अगेन आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं, एक यूनिक वीडियो लेके आया हूं किस तरीके से आप घर में एंटी टैनिंग पील कर सकते हैं. बिकॉज समर आ रही है और खूब सारी टैनिंग होगी आप लोगों को. तो और टैनिंग होने के बाद जब आप किसी पार्लर में या किसी क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ पर खूब सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे. वो आपके खर्चे ना हो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया हूँ. आप घर में बैठ के खुद की पीलिंग कर सकते हैं. कैसे करेंगे मैं आपको आज सिखाऊंगा. तो इसके लिए आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूज़ करिए ग्लाइकोलिक के कॉम्बिनेशन. ओके, इट्स अ ग्लाइकोलिक के कॉम्बिनेशन विच इज हैविंग ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड एंड इसमें और है कोजिक एसिड. ओके, सो व्हाट इज ग्लाइकोलिक एसिड? ग्लाइकोलिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप में आता है और ये आपके जो स्किन के सेल्स हैं उसको उसका जो बॉन्ड है उसको डिसॉल्व कर देता है. तो ये ग्लाइकोलिक एसिड बनता कैसे? ये बनता है शुगर केन से. तो ये बेसिकली करता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा दे रहा हूँ कि अगर दीवार है, वॉल है, वो ईंट से, सीमेंट से और रेती से बनी है, तो उसमें बॉन्डिंग जो एक दो ईंट को जोड़ कर रखा है वो है सीमेंट. अगर हम कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो उस बॉन्ड को डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा? हमारी वो दीवार गिर जाएगी. सेम जो हमारी स्किन की लेयर है, जो डेड लेयर है, ये जब आ जाती है पूरी, तो ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है उस बॉन्ड को डिसॉल्व कर देता है और धीरे धीरे वो पिगमेंट और जो डेड स्किन है, स्किन सेल्स है, वो रिमूव हो जाते हैं स्लोली. ये आप घर में यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी माइल्ड. इट जस्ट कंटेन 12% ग्लाइकोलिक एसिड. जब आप क्लिनिक में जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो 20% 30% यूज़ करते हैं बिकॉज वो प्रोफेशनल हैं. वो उनको पता है कब उसको न्यूट्रलाइज करना है, कब क्या करना है. बट ये आपके लिए सेफ है. इसमें ज़्यादा बिना टेंशन लिए आप घर में यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये माइल्ड है. इसमें कोजिक एसिड भी है जो आपकी स्किन लाइट करेगा, जो टैनिंग को ख़त्म करेगा. इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है जो कि आपके अगर बॉडी में एक्ने हो रहे हैं, बॉडी एक्ने है, तो भी आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या किसी को बोल सकते हो कि अप्लाई कर दो. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है. बहुत ईजी है. आप इसको बोलिए कि लगा दें तो वो सैलिसिलिक एसिड है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप में आता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है. तो एंटी इन्फ्लेमेशन वर्क करता है, साथ ही साथ जो पोर्स उसके अंदर भी वो रिमूव कर देता है डेड लेयर को, तो अंदर तक जाता है. और इसमें दो तीन अलग टाइप के हैं. जो ग्लाइकोलिक एसिड है 12% है, इसमें लैक्टिक एसिड है 5%. ओके, तो लैक्टिक एसिड अगेन मिल्क से बनता है और जो व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है. और कोजिक एसिड है जो 3% है, सिट्रिक एसिड है 3%, सैलिसिलिक एसिड है 3%, और बहुत दो चार चीज़ें और हैं इसके अंदर. तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आप जैसे फॉर एग्जांपल हैंड्स में लगा रहे हैं या बैक में लगा रहे हैं या बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं ना, बॉडी लाइटनिंग पील है, एंटी टैन पील है. तो ये आप कहीं भी अप्लाई करें, उस एरिया को प्रॉपर क्लीन करें, डीग्रीस करें. डीग्रीसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वरना वो एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं होगा. कहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, कहीं कम एब्जॉर्ब होगा. अगर ऑयल है तो वो जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है वो वाटर सॉल्युबल एसिड होता है. तो बेसिकली अगर ऑयल है तो उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. तो आपको डीग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है जो करना है स्टेप. तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टर्लियम ले लीजिए, स्टर्लियम या अल्कोहल ले लीजिए या एसीटोन ले सकते हैं. वो उससे डीग्रीजिंग हो जाएगी अच्छे से. तो फॉर एग्जांपल आपको ये हैंड का करना है तो आप इसको अच्छे से पूरा डीग्रीज करके इसको सुखाना है. आप इसको अंडर आर्म में भी लगा सकते हैं. अगर आपको अंडर आर्म डार्क है तो आप इसमें अंडर आर्म में लगा के इसको लाइट कर सकते हैं या इसको इस तरीके से आपको क्लीन करना है. अब मैं इसको ओपन करूँगा. ये 60 ml की बॉटल है. तो 60 ml की बॉटल इस टाइप की है. इसको बड़े प्यार से दूर से खोलिएगा, है ना, फेस के सामने मत करके खोलिएगा. झांकना नहीं है अपन को अंदर, वरना ये अगर कई बार केसेस बनती हैं तो ये पॉप अप हो सकता है. तो इट्स नेम इज एसिड, बट जरूरी नहीं कि सारे एसिड जो नाम होते हैं वो खतरनाक हो. ये सेफ एसिड है, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पी लो या आंखों में डाल लो. आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो इसको थोड़ा दूर करके ऐसे करके अपन को खोलना है, ठीक है. और इसमें कैसा कैप लगा हुआ है. तो अब इसको ऐसे निकाल के ये इस तरीके से एक ग्लास बाउल में आप इसको ले लीजिए. इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए जितना आपको निकालना है. थोड़ा थोड़ा कम कम निकालिएगा, ऐसा नहीं है ज्यादा निकाल ले फिर उसको वापस मत डालिएगा. अगर ज्यादा आ जाए तो लगा ही लीजिएगा. इस तरीके से आप इसको लेके वापस इसको आपको बंद करना है प्रॉपरली. ढक्कन टाइप बंद करके रख दीजिए, बच्चों से दूर रखना है.
अभी आप कोई कॉटन ले लीजिए या ग्रॉस पीस ले लीजिए या फिर इस तरीके का ब्रश ले लीजिए। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके का ब्रश, या आपको फेशियल ब्रशेस होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस टाइप की कॉटन ले सकते हो, और या तो फिर आप गॉस पीस ले लीजिए। वो मैं सजेस्ट करूँगा गॉस पीस लेने के लिए, बिकॉज वो कम एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट कम होगा आपका, कॉटन ज़्यादा एब्जॉर्ब करके ज़्यादा वेस्ट करती है। बट मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रश तक मैं कैसे लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको डिप करना है ब्रश के अंदर, और इसको इस तरीके से लेके आपको कोटिंग करनी है, इस तरीके से पेंट करना है। पेंटिंग तो बहुत करी होगी आप लोगों ने। इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट आपको छोड़ना है, ओके। तो ये 15 से 20 मिनट में थोड़ा थोड़ा वर्क करेगा। माइट भी आपको स्लाइट इचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, तो वो नॉर्मल है। इसको लगा के आपको करना है, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करके आपको छोड़ना है 15 से 20 मिनट, और ये आप हफ्ते में दो बार अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हो, बिकॉज माइल्ड पील्स में ग्लाइकोलिक एसिड सिर्फ 12% है, बहुत माइल्ड है, आप घर में इजीली यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये पील मैं इसलिए लेके आया क्योंकि आप ये इजीली घर में यूज़ कर सकते हो। आपको जो मार्केट में जब जाते हैं किसी भी कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाते हैं, या किसी भी पार्लर में जाते हैं, या किसी भी डॉक्टर के पास आते हैं, तो वो इस ट्रीटमेंट का एक सिटिंग का चार्ज आपसे अराउंड 5,000 to 6,000 चार्ज करेगा। अगर हैंड पील कराना है तो 5,000 to 6,000 ईजिली चार्ज करेंगे ग्लाइकोलिक पील का आप वो क्लिनिक में, बिकॉज वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे होते हैं, सब कुछ का खर्चा उठाना पड़ता है। बट मैं आपके लिए ये बताने सिखाने का एक टॉपिक में छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप घर में बैठ के वो खर्चा बचा सकें। तो इसमें आपको अप्लाई करके 15 से 20 मिनट इसको छोड़ना है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको रात में यूज़ करें, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपोजर बचेगा अगर आप रात में लगाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको लगा के पूरे में, और यहाँ पर भी ऐसा लगा सकते हैं, हफ्ते में आपको दो बार लगाना है इसको, है ना। तो ऐसा आप 7-8 बार यूज़ कर सकते हो। ये 60 ml का है, अगर आप 1 to 2 ml भी डेली लगाते हो तो 30 बार यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर बड़ा एरिया है तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, और आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो, पापा मम्मी दीदी सबके ऊपर यूज़ कर सकते हो, सबको बोल सकते हो कि वो आपके ऊपर यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल सा टेक्निक है। इसको करने के बाद आपको अच्छा एक चीज़ मार्क करिएगा, अगर कोई इरिटेशन हो रहा है या कोई भी एक्सीडेंटली है आपको लगाते लगाते आँख में चला गया, तो फटाफट आपको वॉश करना है, उसको रखना नहीं है कि वो क्या आँख में चला गया तो छोड़ दिया, ऐसा मत करना वरना आँख गायब हो जाएगी। इसको 15 से 20 मिनट होने के बाद वॉच घड़ी देख लीजिएगा कि हाँ टाइमिंग स्टार्ट हो गया। आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करना है, पानी से धोना है, आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं, और ये इसको फिर ट्राई कर लीजिएगा, चाहे तो बाथरूम में जाके इसको प्रॉपरली वॉश अच्छे से साफ करके सुखा लीजिएगा। इसके बाद आपको अच्छा सा कोई एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर, या दिन में है तो सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना है, और सनस्क्रीन तो डेली लगाना है आपको, डेली धूप में जाने के पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है, ताकि जो डेड लेयर निकलेगी तो वो थोड़ी स्किन सेंसिटिव रहेगी, तो आपको उसको बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा केयर करनी पड़ेगी, और एल्स ये आपको थोड़ा एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये जनरली ये वीडियो उनके लिए जो रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं क्लिनिक में जाके, और वो अब वहाँ पे जाके इलाज नहीं कराना चाहते हैं, सिर्फ अपने घर में यूज़ कर सकते, तो मतलब या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कि 5 to 6,000 पर सिटिंग आप अफोर्ड कर पाओ, तो उसके लिए मैं आपके लिए बताने लाया हूँ ये पील ग्लाइकोलिक के कॉम्बिनेशन का, जिसकी MRP है 6,000 rupees, और ये आपको मिलेगा www.clickoncare.com में। वो COD भी अवेलेबल कराते हैं क्रॉस द ग्लोब, आपको सप्लाई करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी टैनिंग को रिमूव करना है इन गर्मियों में, गोवा जाने का कोई प्लान है इतनी गर्मी में और काले ना हो, इसके लिए आप इसको यूज़, और यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपको कैसे लगे। ये आपकी टैनिंग को फट 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 ख़त्म कर देगा, आने नहीं देगा, और जो आ गई उसको भी रिमूव कर देगा। आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी सबको गिफ्ट कर सकते हो। एक बॉटल ले लो घर में, पूरे घर को अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर बॉडी में एक्ने वैक्ने हैं तो उसमें भी वर्क करेगा, बट याद रखिए ये बहुत माइल्ड है, तो आपको मल्टीपल सिटिंग लगेंगी। ये ऐसा नहीं कि आपको जो क्लिनिक में आपने एक सिटिंग में रिजल्ट आता है वो उसमें 2-3 बार में आएगा, बट ये आप घर में कर सकते हो। सबसे ईजी बात इसकी ये है, 6,000 में ये पूरी बॉटल है, पूरी बॉटल है जो 6,000 में आ रही है, और ये आप अराउंड 2 ml भी ले जाओ 30 बार यूज़ कर सकते हो, 30 सिटिंग हो जाएंगी आपकी जस्ट 6,000 में, जहाँ आपको एक सिटिंग का 6,000 देना पड़ता है। तो मुझे थैंक यू बोलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे शेयर कीजिए इसको, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। मुझे वहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए, मेरी फोटो में कमेंट कर दीजिए, मैं फट से आपको रिप्लाई कर दूंगा। हैप्पी, इस ग्लाइकोलिक एसिड के को ज़रूर लीजिएगा क्लिक ऑन केयर पे जाके।